नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारा YouTube और Facebook पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं Facebook का एक न्यू अपडेट लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों आप Facebook मैसेंजर आप यूज करते हो तो उसके अंदर आप नोट्स लगा सकते हो। आखिरकार नोट्स होता क्या है वो आपको मैं बता दूं। अगर जो भी लोग इंस्टाग्राम चलाते हो उन सभी को लोगों को नोट्स के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों जो Facebook पर न्यू अपडेट आया है लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो कैसे आप नोट्स का यूज कर सकते हो Facebook के अंदर। दोस्तों आखिरकार नोट्स के अंदर क्या हम डाल सकते हैं, क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, कैसे वीडियो डालेंगे और उसके साथ कैसे टेक्स्ट डालेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। ये न्यू अपडेट है Facebook का, तो कैसे यूज करना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोन की होम स्क्रीन पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है नोट्स, किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं नोट्स को। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप Facebook से जुड़ी न्यू अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे पेज और YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो भी कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे Facebook से जुड़ी हर एक न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी और मिलेगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले अपना जो Facebook एप्लीकेशन का जो मैसेंजर एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं Facebook पर चला जाऊंगा, ठीक है। Facebook पर मैं जैसे दोस्तों जाता हूँ और दोस्तों उसके बाद यहाँ से मैं जैसे ऊपर मैसेजर के आइकन पर जैसे क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप मैसेज नोट्स वाला ऑप्शन को यूज कर सकते हो। दोस्तों जो नोट्स वाला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सरस आइकन के नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन है, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। और दोस्तों इसके अंदर हम क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दोस्तों ये नोट्स वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। नोट्स ऑप्शन अपने इमोशनल के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, अपने एक्टिविटी के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको गुड डे यहाँ से लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ। शेयर के आइकन पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों जो भी लोग मैसेंजर को यूज करते हैं वो यहाँ पे ऊपर ऑनलाइन आते हैं, उसके ऊपर अगर Facebook पर ऑनलाइन आते हैं, यहाँ से मैं अपना एक्टिव स्टेटस यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा एक्टिव स्टेटस है वो यहाँ से ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, मैं यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। तो जैसे जो भी यहाँ से कोई भी जैसे यहाँ से कोई भी यहाँ से जो ऑनलाइन आएगा, जैसे मैं यहाँ से ऑनलाइन आया हूँ और किसी और फ्रेंड को जैसे मैं ऑनलाइन आया हूँ देखूंगा तो ऊपर से मेरा नोट्स देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों आप जैसे भी देख सकते हो यहाँ से मैसेज भी निकल रहा है। इसी प्रकार से आप जो भी फ्रेंड है आपके दोस्तों ऊपर यहाँ से नोट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप देख पाओगे इसके अंदर क्या नोट्स इसके अंदर ऐड किया है। और उसके साथ दोस्तों इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं नोट्स को, तो यहाँ से डिलीट नोट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे रिमूव पर क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद फिर से अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से इसको यहाँ से गुड यहाँ से लिख कर यहाँ से इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। गुड यहाँ से लिख कर यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऊपर से शेयर के आइकन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो। आप इस प्रकार से दोस्तों आप Facebook मैसेंजर नोट्स को आप यूज कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलते रहेगी।